नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है आपका। यहां पर देहरादून से एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आपको बता दें कि यूके एसएससी के पेपर लीक में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पेपर लीक के मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब आपको ये बता दें कि सबूतों के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन आरोपियों को पूछताछ के लिए अब एसटीएफ कार्यालय लाया गया, जहां साक्ष्य की पुष्टि होने पर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर एक और गिरफ्तारी हुई है। यूके एसएससी के पेपर लीक मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब इन तमाम आरोपियों को एसटीएफ कार्यालय लाया जा रहा है, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे नेटवर्क को लेकर भी जानकारी लेने की यहां पर कवायद शुरू होगी। आपको बता दें कि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार अवैध संपत्तियों को सील करने का काम किया जा रहा है। यहां पर कई अवैध निर्माण को ढाने और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि एचआरडीए के द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जहां बिना नक्शा पास किए जो कॉलोनियां काटी गई हैं और जो निर्माण किया जा रहा है, उससे भी अब लोगों में हड़कंप मच चुका है। हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर ने ये बताया है और उन्होंने आदेश दिया है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध निर्माण को ढाने और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से अवैध निर्माणों को सील करने की कार्रवाई तेज कर दी गई। इस बीच सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तम सिंह चौहान ने भी जानकारी दी कि भविष्य में जो भी अवैध प्लॉटिंग या फिर अवैध निर्माण किए जाएंगे या मिलेंगे ऐसे निर्माण, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह से नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने दोबारा से नया आरक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें ओबीसी के पदों के आरक्षण के लिए बदलाव किए जाएंगे और इसकी संस्तुति एकल सदस्य आयोग ने मंगलवार को देहरादून में अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपते हुए की है। नए कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन आज ही किया जाएगा, जबकि आपत्तियों को 21 और 22 अगस्त को ये आपत्तियां दी जा सकेंगी और आपत्तियों का निस्तारण 23 और 24 अगस्त को होगा। आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन 25 अगस्त को किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव 27 अगस्त को भेज दिए जाएंगे। और हल्दूचौड़ से एक खबर सामने आई है, जहां पुलिस चौकी में कोतवाल डीआर वर्मा के द्वारा एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किए गए हैं और जनप्रतिनिधियों में क्षेत्र से ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर से लेकर कई गणमान्य नागरिक इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने कोतवाल के सामने क्षेत्र में अवैध नक्शे के कारोबार को लेकर कई समस्याएं सामने रखी और इस पर कोतवाल ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि इस मामले में पुलिस पहले से ही अभियान चला रही है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। फिर भी अगर कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को सूचना देता है तो उस सूचना के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण मामला अधिकतर जो है यातायात से संबंधित है और इनको बताया गया है कि यातायात पे भी जो है सहयोग करें और अपने टीनेजर बच्चों को हेलमेट जरूर दें, ट्रिपल राइडिंग न कराएं, साथ साथ ही नशे के उसमें भी बात चली और इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ स्टाफ बढ़ाने को लेकर भी बातचीत रही है तो इसमें कुछ? हाँ, पब्लिक द्वारा चौकी क्षेत्र और थाने पर जो है स्टाफ बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज ही कुछ कर्मचारियों को, आज हमारे नए कोतवाल साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और सभी से परिचय प्राप्त किया था। साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली बहुत सारी गतिविधियाँ जो कि
इस समय सभी के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं, उनका समाधान और पुलिस के क्या रूल है और रेगुलेशन है और उनसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के हम लोगों के क्या क्या अधिकार हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ ही साथ क्षेत्र में रहने वाले बहुत से मकानों जो कि बाहर से आगंतुक हैं जो लोग भी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं उनका सत्यापन के बारे में और जो भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उन लोगों का सत्यापन के बारे में, साथ ही साथ क्षेत्र में रोज बढ़ रही नशे की समस्या के संबंध में और काफ़ी सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर चर्चा करी और सभी जनता से सहयोग की भी अपील करी नए कोतवाल साहब। मुद्दे तो बहुत सारे थे जो क्षेत्र में आजकल हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से शराब और स्मैक के जो प्रचलन बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, जिसमें हमारी जो नई पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, उसके विषय में हमने एक वार्ता करी साहब से। और दूसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा था हमारे वहाँ जो क्षेत्र में जो फेरी वाले घूमते हैं जिनके पास जिला पंचायत की रसीद रहती है, लेकिन हमारे को हमें सिर्फ इस बात का एक कन्फ्यूज़न था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता, अगर होता है तो फिर वो कौन लोग करते हैं, और क्या जिला पंचायत की रसीद मात्र लेकर घूमने से क्या वो उनका सत्यापन हम माने या फिर ये मान के चलें कि पुलिस वालों को उनके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में और भी बहुत सारे। और उत्तराखंड में जन्माष्टमी के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश गुरुवार की जगह अब शुक्रवार को होगा, यानी कि 19 अगस्त को यह अवकाश दिया जाएगा। अवकाश में संशोधन के आदेश को सामान्य प्रशासन प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने जारी कर दिया है। बता दें आपको कि प्रदेश सरकार की ओर से 2 दिसंबर 2021 को जारी की गई अवकाश सूची में जन्माष्टमी का जो अवकाश है वो 18 अगस्त को घोषित किया गया था, लेकिन अवकाश के संबंध में संशोधित आदेश में सरकार की ओर से कहा गया है कि हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्यौहार 19 अगस्त को मनाने की सूचना मिली है। ऐसी स्थिति में जन्माष्टमी का जो अवकाश है वो 19 अगस्त को घोषित किया गया और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इससे अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए और उनके संदेशों के प्रति खुद को समर्पित करने का अवसर है। इस पावन दिन पर हम सभी को पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। और बदलते मौसम के बीच उत्तराखंड से खबर सामने आई है जहां पर मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 20 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज यूं ही बिगड़ा रहेगा और लगभग सभी क्षेत्रों में अत्यधिक बरसात भी हो सकती है। दरअसल रक्षाबंधन की शुरुआत से ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरसात होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैदानी क्षेत्रों में भी इसका साफ असर देखा गया और आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में भी आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, हल्की से मध्यम बरसात भी हुई। और आगे आपको बताते चलें कि कई जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। 18 अगस्त को भी नैनीताल और बागेश्वर जैसे दो जिलों में कहीं कहीं पर काफी मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। 19 अगस्त को भी मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इन जिलों में नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विभाग के लोगों को अत्यधिक सावधान रहने की अपील की गई। और 20 अगस्त की बात करें तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका को देखते हुए इन लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। और इस बीच शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जहां पर मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अहम दौरा होने जा रहा है। बता दें आपको कि 19 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने भी सीएम योगी के दौरे को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है और आपको बता दें यातायात के लिए भी डायवर्जन क्रिएट किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे TFC वृंदावन पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे के आसपास वो अन्नपूर्णा भवन में भ्रमण कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद वितरण भी किया जाएगा इस दौरान और इसी क्रम में शाम के 4 बजे मथुरा कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम को 4 बजे के बाद करीब 4:30 बजे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में मथुरा प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दी है।
जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के आगमन पर यातायात को भी डायवर्ट कर दिया गया है। और इस बीच एक खबर सामने आई है रुड़की से, जहां पर आईटीआई के सीबीआरआई गेट पर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा। सीबीआरआई में काम करने वाले कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि केएसजे डायनामिक सिक्योरिटीज कंपनी को ठेका दिया गया। कंपनी के द्वारा कर्मचारियों का क्वालिफिकेशन के कागज पर उनका सत्यापन किया जा रहा है, जो गलत है। कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो काफी समय से यहां पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन केएसजे डायनामिक सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि कागज की मांग की जा रही है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक उत्पीड़न के समान है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारी पर 10,000 रुपए लेकर नौकरी पर काम करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि केएसजे डायनामिक सिक्योरिटीज कंपनी टेंडर वापस हो। और हालांकि केएसजे डायनामिक सिक्योरिटीज कंपनी के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं कैप्टन एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं वो सब निराधार है। क्या कहते हैं, 10,000 रुपये मांग रहे थे। उस मामले में हमने विरोध किया और उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए बोला। हमने बोला फॉर्म दिखा दो हमें, तो फॉर्म नहीं दिखाया। प्रोमो कंडीशन हमें चाहिए, वो नहीं दिखा रहे हैं। कंडीशन कुछ नहीं दिखा रहे अपने, पीएफ पीएफ जीएफ जो भी काटना है ना, ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? ठीक है, 150। कितने लोग काम करते हैं? सर 150 कम से कम। अब आप लोग की मांगे क्या है यहाँ पर? सर मेरा नाम जो है कैप्टन एनपी सिंह है, केएसजे डायनेमिक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से मैं मैनेजर हूँ, ऑपरेशनल मैनेजर। जो इन्होंने कर्मचारियों ने जो है आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम कोई पैसा नहीं ले रहे, सबके सामने बोल रहे हैं। तो जो भी जो है प्रकरण है उसके अनुसार हम जो है इनको इम्प्लॉय करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारी कंडीशन है उसके अनुसार डॉक्यूमेंट दे, भर्ती हो, पीएफ भी कटेगा, ईएसआई भी होगा। केएसजे सिक्योरिटी डायनेमिक सिक्योरिटी का टेंडर हुआ था, जो कि ये 13 तारीख से यही है। 13 तारीख से जब ये आया था तो इसने 10,000 की डिमांड की थी, लेकिन 10,000 देने के लिए यहाँ पे कोई भी हमारा मेन पावर वाला असमर्थ है देने में। लेबर लोग हैं ये, 7,000 तनख्वाह आती है, 10,000 कहाँ से देंगे? तो फिर यहाँ पे इनने ये थोड़ा दबाव बनाया तो फिर इसने 10,000 के लिए कैंसिल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ये मेन पावर की जी, हर साइंटिस्ट साहब के पास है बंदे, कोई किसी के। मामला फतेहपुर से है, जहां जनपद के थाना क्षेत्र बकेवर में गांव सुजावलपुर में रात को गाय चोरी कर कुछ अराजक तत्वों ने गाय की हत्या कर दी। ग्राम सुजावलपुर निवासी सुरेश रदास के दरवाजे पर गाय रात में बंधी हुई थी, लेकिन सुबह जब चारा डालने के लिए शख्स गया तो गाय के पास जब पहुंचा तो गाय वहां पर नहीं मिली। आसपास ढूंढने का प्रयास किया गया, तब जाकर गौठिया खेड़ा नाले के पास गाय का कटा हुआ सर बरामद हुआ और बाकी अवशेष भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि गाय के पेट में 8 महीने का बच्चा भी था। बहरहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों ने तफ्तीश शुरू की और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया गया। और अब रुक करते हैं सीतापुर की ओर, जहां सरसों का तेल खाने वालों को सावधान होने की जरूरत है। दरअसल जिले में नकली खाद सरसों के तेल का कारोबार हो रहा था और इस नकली कारोबार का भंडाफोड़ उस वक्त फूटा जब खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने लहरपुर में छापेमार कार्रवाई की। इस बीच सैकड़ों की संख्या में सरसों का तेल बरामद किया गया है और फिलहाल खाद्य तेल के गोदाम को सीज कर दिया गया। ये मामला सीतापुर जनपद के लहरपुर कोतवाली इलाके के लालपुर का है। यहाँ पर लालपुर बाजार में इसका कारोबार किया जा रहा था और बताया यह भी जा रहा है कि यहाँ पर बनाए जाने वाला ये सरसों का तेल, इसकी खपत पूरे जनपद में होती थी और इस खतरनाक तेल को बनाने में ऑयल और जहरीले रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर जब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा तो 2 सैकड़ा से अधिक तेल की पीपे और यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जिन्हें सीज कर लिया गया है। अब मौके से पुलिस ने 4 लोगों को भी हिरासत में लिया और इसी बीच अभिहित अधिकारी अभी सिंह ने बताया है कि मौके से गोदाम में सरसों के तेल के 85 टीन राइस ब्रैन ऑयल और 99 टीन
और मिक्स्ड ऑयल और 12 टीन सीज कर लिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुकेंगे। गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है जहां पर हिंडन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं या उन्होंने छापा मारा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हिंडन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का छापा, मॉर्चरी की जांच करने पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जहां ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण देखते हुए मॉर्चरी में हड़कंप मच गया है। डिप्टी सीएम ने इस दौरान हिंडन स्थित मॉर्चरी की जांच की है और शुरुआती जांच में असंतुष्ट दिखाई दिए हैं डिप्टी सीएम। इस वक्त कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, ये औचक निरीक्षण किया गया है जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे हैं हिंडन में और यहां पर मॉर्चरी का दौरा किया गया, जायजा लिया गया है तमाम व्यवस्थाओं का। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर हिंडन की जो व्यवस्था है उसे देखते हुए काफी असंतुष्ट सीएम नजर आए हैं डिप्टी सीएम यहां पर, और इसके बाद बड़ी कार्रवाई के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बरेली स्वास्थ्य विभाग पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आर्य न्यूज चैनल की टीम ने महक नर्सिंग होम आंवला की खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, लेकिन खबर चलाते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। खबर के चलते ही और खबर प्रकाश में आते ही यहां पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने, जो अधिकारी वहां पर थे, उन्होंने रोड के किनारे जो बायोमेडिकल वेस्ट डाला गया था वहां पर सबूत मिटाने के लिए आग लगवा दी गई। अब समझने वाली बात यह है कि जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट में आग लगाई गई थी वहीं चंद कदम की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी है। गनीमत यह रही कि कोई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन इस बीच आरएन न्यूज की टीम की जब वहां पर पड़ताल करने के लिए टीम पहुंची तो अधिकारियों ने उसे धमकाया भी है। आपको ये भी बता दें कि कवरेज करने जब टीम पहुंची और सच्चाई को छुपाया ना जा सके, इसके लिए जब कवरेज करने की कोशिश की गई तो स्वास्थ्य विभाग की ये काली करतूत सामने आई। आपको बता दें कि इस बीच ACMO डॉक्टर हरपाल सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की बात कही है, और अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग आखिर किन किन और कौन कौन से अस्पतालों पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा। मुझे आपके चैनल से माध्यम से पता चला है कि आंवला में जो एक नर्सिंग होम है, महक नर्सिंग होम, उसके द्वारा कोई बायोमेडिकल वेस्ट को जलाया गया है। ये गंभीर मामला है। मैं वहाँ के MOIC इंचार्ज जो हैं डॉक्टर इंतजार अली को भेजकर इस प्रकरण की पूरी जांच कराऊंगा। जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अलीगंज में दो नर्सिंग होम जो डॉक्टर सौरभ नोडल से नोडल अधिकारी हैं उन्होंने सील किए थे, लेकिन वो फिर भी खुल गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, अगर डॉक्टर सौरभ ने उसकी जांच की है तो इस बारे में मालूम किया। और आगे बढ़ते हैं बरेली की ओर, जहां से खबर है कि बौखलाई एक टीचर ने फोन पर पत्रकारों को ही धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि तुम एक बार स्कूल तो आओ, फिर देखते हैं तुमको। शिक्षा देने वाली शिक्षिकाएं ही अगर इस तरह से धमकी देने लग जाएं तो फिर किसी और से क्या उम्मीद करें। यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि केवल खंड शिक्षा अधिकारी मनोज राम का BSA विनय कुमार को ट्रांसफर किया जाना क्या काफी है, क्योंकि अभी उनका हाल ही में ट्रांसफर कर दिया गया और अब तक शिक्षिकाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल यहां उठ रहा है कि आखिर शिक्षिकाओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, जबकि वीडियो में मौजूदा ग्राम प्रधान और ग्रामवासी हालात को बयां कर रहे हैं, पूरा साक्ष्य है। और वहीं पर ग्राम प्रधान इशाक का यह कहना है कि अभी भी धमकी दी जा रही है और दबंगई दिखाई जा रही है, और इस वीडियो का भी वायरल होने के बाद से ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जब बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि खंड शिक्षा अधिकारी को इसकी जांच सौंपी गई है और जांच के बाद विशेष कार्रवाई की जाएगी। वो स्कूल का है और वहाँ पे जो है मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच दिया है। ये संज्ञान में आया है कि संबंधित प्रधानाध्यापक और वहाँ के सहायक अध्यापक द्वारा विद्यालय में झंडा फहराया गया और बाद में जो है समय से मतलब शाम को उतरना चाहिए झंडा, उन्होंने पहले उतार के रख दिया, तो इसका संज्ञान लिया गया है और जैसे ही जांच आ जाती कार्रवाई की जाएगी। अभी एक महिला टीचर का फोन आया था, हमें धमकियां भी वो दे रही थी, चलो आपने दूसरी जगह देखा ही नहीं देखा। ये इन महिलाओं पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, जो टीचर हैं बिना खुद शिक्षा का ज्ञान नहीं। जांच दी गई है, जांच में जैसा जो जांच में आएगा उसके अनुसार।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।